हाय तो चलो फटाफट से करते हैं थोड़ा सा क्विक मेकअप तो मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी मॉइस्चराइजर के लिए पॉइंट्स की सुपर लाइट जेल ये आपके आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी और अच्छे से हाइड्रेट रखेगी आफ्टर आई एम नॉट यूजिंग कंसीलर बिकॉज मुझे कुछ जरूरत नहीं लग रही है तो मैं उसको स्किप करूँगी और मैं यहाँ पे लगाऊंगी सीधा फाउंडेशन मैं यहाँ पे फिटम फाउंडेशन ले रही हूँ थ्री टेन का शेड है तो मैं इसको अच्छे से टैप टैप करके अपने डॉट डॉट्स करके अपने स्किन पे लगा दूंगी और अपने फिंगर टिप से इसको अच्छे से फैला लूँगी फिर अपने ब्यूटी ब्लैंडर से इसको मैं अच्छे से ब्लैंड कर कर रखूँगी आपको अच्छे से ब्लैंड करते रहना है ताकि पूरी स्किन इवन दिखे मुझे यहाँ पर थोड़े पिगमेंटेशन है तो उस उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ और अच्छे से ये देखो पूरा कवरेज तो नहीं दे रहा है पर अच्छा खासा कवरेज दे रहा है आफ्टर अपलाइंग फाउंडेशन आई एम यूजिंग द कॉम्पैक्ट पाउडर ये देखिए यहाँ पे तीन लेयर है तो मैं इसमें से पहला वाला लेयर अपने फेस पे अच्छे से लगा दूंगी यहाँ से मैं स्पंज की मदद से अच्छे से लगा दूंगी ये कॉम्पैक्ट पाउडर अपने गर्दन पे भी लगाने के सारे इवन टोन दिखे आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस का काजल ये मुझे काजल बहुत ही पसंद है मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है तो so, मैं यहाँ पे काजल काजल के लिए लेकमे का ये यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे मस्करा लगाऊंगी मुझे मस्करा इतना कुछ खास पसंद नहीं है पर मैं पूरा मेकअप कर दूँ तो अच्छे से मस्करा लगा देती हूँ मैं यहाँ पे दो तीन ही कोट लगा रही हूँ उससे ज़्यादा मैं कोट नहीं लगाऊंगी आफ्टर अप्लाइंग मस्करा आई एम यूजिंग द लिपस्टिक लिपस्टिक में यहाँ पे दो लिपस्टिक ले रही हूँ एक प्रिव्यू की लिपस्टिक है और एक केपले की लिपस्टिक है ये दोनों शेड मुझे बहुत ही पसंद है ये देखो ये कितना प्यारा पिंक कलर का अच्छा सा शेड आ रहा है फिर उसके ऊपर मैं यहाँ पे प्रिव्यू की लिपस्टिक लगाऊंगी फॉर ब्लश आई एम यूजिंग द सेम की प्ले की लिपस्टिक ये लिपस्टिक आप ब्लश के लिए भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हो तो ये देखिए कितना प्यारा शेड आया है एकदम लाइट एंड नेचुरल लग रहा है एंड या आई एम रेडी के बाद में बाल अच्छे से कोम कर दूंगी एंड या गाइज रेडी आपको ये सिंपल मेकअप कैसा लगा मुझे जरूर बताना कॉलेज में या ऑफिस में छोटी मोटी पार्टी या फंक्शन हो तब आप इसे जरूर से यूज करना फटा फटाफट से हो जाता है एंड गाइस एंड लाइक बाय